नमस्कार, आज बात करेंगे अरब आक्रमण की और दिल्ली सल्तनत के पहले भारत की स्थिति क्या थी और कैसे भारत में आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। इन चीज़ों पर आज खास फोकस करेंगे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी क्यों दी गई थी, सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया था, साथ ही साथ मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया, पृथ्वीराज रासो में डिटेल्स में किन चीज़ों को बताया गया है, चंदेल शासक से मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ, जाटों का आक्रमण कब हुआ, अरब के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, भारत पर तुर्क आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, महमूद का आक्रमण क्या था, और साथ में दिल्ली सल्तनत के पहले की भारतीय राजनीति क्या थी, कैसे राजपूत साम्राज्य एक दूसरे के विरुद्ध में बटे हुए थे, तो इस पर आज हम खास फोकस करेंगे और ये बताएंगे मध्यकालीन भारत में कि जब प्रश्न आएगा तो आपको कैसे उसको ठीक करना है। अरब की आक्रमण में सबसे पहले 636 ईस्वी में पहला अभियान हुआ था अरबों का और 643 ईस्वी में दूसरा अभियान हुआ था, लेकिन दोनों में अरब वाले पराजित हो गए भारतीय राजाओं के सामने। दूसरा बार 708 ईस्वी में एक बड़ा अभियान हुआ जिसमें श्रीलंका से एक जहाज इराक जा रहा था जिसमें कुछ मुसलमान महिलाएं थीं और इस जहाज को बंदरगाह के पहले ही कुछ लोगों ने लूट लिया और इराक के गवर्नर हज्जाज उस समय में थे और उसने दाहिर को संदेश भेजा कि इन लुटेरे को दंडित कर दीजिए, लेकिन दाहिर ने बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब हजाज ने अपना सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजा, किंतु दाहिर से युद्ध में उसकी पराजय हो गई और वह मारा गया। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या भारत पर आक्रमणकारी नज़र डालने से छोड़ दिए? जी नहीं। अब शुरुआत हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम गुस्सा हो गया चूंकि अपने दो सेनापति की मृत्यु का समाचार जब हज्जाज सुना तो मोहम्मद बिन कासिम उसका दामाद था, अपने दामाद के अभियान के रूप में उसको भेज दिया और जब वो आया तो उसमें बौद्ध वाले भी उनको सपोर्ट किए चूंकि वो नहीं चाहते थे कि वो हार जाए, तो उनका सपोर्ट तो अलग से था ही और साथ में एक ब्राह्मण थे उस काल में जिसने मोहम्मद बिन कासिम को कुछ ऐसे क्लू दिया कि कैसे भारतीयों को हराया जाए, और इसके बाद युद्ध तो हुआ लेकिन दाहिर बेचारा हार गया और अरबों ने देबल को लूटा और उसके बाद वह निरून नगर को भी लूट लिया, सेहवान नगर को लूट लिया और फिर एक बार राबोर का युद्ध हुआ। राबोर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें दाहिर के साथ युद्ध हुआ कासिम का, लेकिन दाहिर की मृत्यु हो गई अचानक से, उसके सीने में एक तीर लगा और मर गया। लेकिन बहुत कोशिश किया भारतीय साम्राज्य को बचाने के लिए। अब जब अधिकार हो गया मोहम्मद बिन कासिम का तो उसका जो बेटा था दाहिर का जयसिंह, उसने भी सामना किया और इसके बाद वो भी हार गया और मुल्तान पर अधिकार हो ही गया। अब उस काल की एक पुस्तक है चचनामा, ये एग्जाम में आता है। चचनामा पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम जब वापस लौटा तो जो खलीफा सुलेमान उस समय में थे उनको उसने जब यहाँ से वो पहुँचा ना वापस तो दाहिर की दो बेटी थी जिसको पकड़ कर ले गया था तो उसको उसने गिफ्ट में दिया और इससे दोनों बेटियों ने सुलेमान को कंप्लेन किया कि वह उसके शरीर के साथ कौमार्ज भंग कर चुका है पहले। गुस्सा हो गया सुलेमान और इससे गुस्सा होकर के मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दे दिया, तो ये भी जानकारी है। फिर इसके बाद अरबों की सफलता तो देखिए, जुनैद एक और उसके एक सुल्तान के एक सेनापति थे उसका भी अभियान हुआ है,
जिसने जयसिंह को हरा दिया था और राजस्थान गुजरात जीत लिया। और अरबों की सफलता जब ज़्यादा होने लगी तो चालुक्य वंश के पुलकेशिन राज ने अरबों को हराया था, और ये जानकारी नौसेरी अभिलेख से होती है। नौसेरी अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन देगा कि गुज्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक ने अरबों को हराया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने हराया था, उसने भी हराया था नागभट्ट द्वितीय। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और किस किस ने उस काल में हराया था अरबों को, तो उसमें लिखेंगे ललितादित्य मुक्तपीड और यशो वर्मा ने अरबों को परास्त किया था। किस वंश के थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश तो बहुत महत्वपूर्ण था उस काल के। तो ये हम आपको बता रहे हैं खलीफा अल मंसूर 754 से 775 ईस्वी के बीच में अरब में फिर एक बार आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया। अंत समय तक वह कोशिश करता रहा लेकिन जीत हासिल नहीं। अब अरबों की जो असफलता थी उसके कारण जब पूछे जाएंगे तो आपको बताना है कि जुनैद के बाद के जो वंशज थे वो उतने मजबूत नहीं थे, और साथ में खलीफा की आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो इससे भी नुकसान हुआ उनको। लेकिन भारतीय राजा तो बहुत मजबूत थे उस समय में, और एक साथ वो लोग मिल करके भी लड़ाई करते थे, तो उनको घुसने नहीं दिए शुरुआती में। अब मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि अरब के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभाव देखना है। ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन फिलहाल भारत में तुर्क आक्रमण पर शुरुआत कर देते हैं। 932 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। अल्पतगीन नामक एक तुर्क नेता ने इसका शुरुआत किया, और उसकी मृत्यु के बाद प्रीतगीन ने शासन किया। इसी के समय में भारत में 974 से 977 के बीच में पहला आक्रमण हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उस वंश भारत में उस समय में शासन किसका था, किस वंश का था, तो लिखेंगे शाही वंश का शासन था, और इसके राजा थे जयपाल, तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सुप्तगीन ने संघर्ष कब किया, तो 977 ईस्वी में किया। गजनी का शासक था, गजनी अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है, तो जयपाल के साथ आक्रमण हुआ, लेकिन कुछ इस प्रकार की दिक्कत हुई कि युद्ध के समय ही प्राकृतिक आपदा झेलना पड़ गया जयपाल को, और बहुत नुकसान हुआ, और वो भी युद्ध से हार गए। और हार जाने के बाद में धीरे धीरे तुर्क शासकों ने भारत पर कब्जा कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि उसकी मृत्यु सुप्तगीन की हो गई 997 ईस्वी में, तो क्या भारत पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो गया? नहीं, अभी तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण बाकी था। तो मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। 988 ईस्वी में वह गद्दी पर शासन में आ गया, और उसको उपाधि दी गई थी यमीन उद दौला और यमीन उल उल्लाह की। अब आक्रमण की जब बात होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब कब किया, तो पहला आक्रमण याद रखिएगा जयपाल के साथ किया 101 ईस्वी में। और ये युद्ध तो निश्चित था कि क्वेश्चन देता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध में हारने के बाद अपने अपमान को नहीं सहा और आत्मदाह कर लिया, खुद से मर गया, और वह राजा था जयपाल। 1002 ईस्वी में वह मर गया था, अपमान को नहीं सह पाया। इसके बाद महमूद का आक्रमण भटिंडा पर कब हुआ, 1005 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनवी जिसे कहते हैं, और उस समय भटिंडा का शासक था बाजीराव, उसने भी आत्महत्या कर लिया। देखिए उस समय के राजाओं में कितनी स्वाभिमान होती थी कि हार जाने के बाद वे आत्महत्या कर लेते थे। इसके बाद है कि महमूद का आक्रमण मुल्तान पर कब हुआ, तो
उस समय में शासक मुल्तान का दाऊद था और उसके साथ में एक युद्ध हुआ, चूंकि सिया होने के कारण महमूद दाऊद से नाराज था और इसलिए लड़ाई शुरू हो गया, चूंकि महमूद सुन्नी मुसलमान था। तो जयपाल की पुत्री के पुत्र जो थे सुखपाल, उसने इस्लाम तो अपना लिया था और इसलिए उसको शासक बना दिया, लेकिन बाद में वो विद्रोह किए थे और इसलिए मुल्तान पर महमूद गजनबी ने फिर आक्रमण कर लिया, जिसको मोहम्मद गजनबी भी कहते हैं। और पंजाब में 1005 ईस्वी में जो शाही शासक था ना जयपाल, जो अग्नि में जलकर मर गए थे, उसका पुत्र आनंदपाल शासक था, वो बाद में बना और 1008 में उसके साथ। इसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, लेकिन शासकों का नाम आपको जानना चाहिए। अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो हम जल्दी से बता देते हैं, नगरकोट और मोहम्मद गोरी का, देखिए समय में आपके पास में आ गया है पिक्चर, तो टोटल चीज बताएंगे आपको डिटेल्स में। तो त्रिलोचन पाल पर नारायणपुर में आक्रमण हुआ, थानेश्वर पर महमूद का आक्रमण था और कन्नौज और चंदेल शासक से 1019-22 के बीच हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सोमनाथ वाला है, जिसको 1025 ईस्वी में उसको जीत लिया था अनहिल बाड़ में, 27वां, आप तो जानते हैं 17 बार आक्रमण हुआ था, 17वां था। तो मोहम्मद गोरी के बारे थोड़ी सी आपके साथ बात कर लें। 1173 ईस्वी में गोड़ का सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने छोटा भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद को गजनी का सूबेदार बना दिया और उसको भेज दिया कि भारत जाओ, युद्ध करो। 1175 से शुरुआत होता है, मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण हुआ, सिंध विजयी हुआ 1182 ईस्वी में और 1173 ईस्वी में अनहिल बाड़ पर एक विजय हासिल हो गया। पंजाब में 1178 ईस्वी में हुआ, सरहिंद में 1189 में हुआ, लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज के साथ हुआ मोहम्मद गोरी का, यहाँ पर जानिएगा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था, उन्हें चौहान वंश के थे। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार गया और हारने के बाद इसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसकी सेना को छोड़ दिया, रही उसकी गलती हो गई, क्योंकि जब लगा कि मोहम्मद गोरी मर जाएगा तो उसके जो खास सैनिक थे उन लोगों ने किसी प्रकार से उसकी जान बचा ली। लेकिन इधर वो जीत का पूरा खुश था पृथ्वीराज चौहान, और इसी बीच में फिर से तैयारी करके मोहम्मद गोरी आया और द्वितीय युद्ध में, थोड़ी सी यहाँ पर पिक्चर अच्छी नहीं आई है तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं हम बता दे रहे हैं इसके बारे डिटेल्स। तो ये तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी के साथ आए और 1192 में पृथ्वीराज को हरा दिया। आपने वो कहावत सुनी होगी कि उसको दरबार में बांध कर रखा, और उसके कवि थे चंद्रवरदाई, उसने कहा कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, इतने पर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब इतनी अच्छी डिस्टेंस को कवर अप करते हुए और अपनी तीर उठाकर पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं, तीर जाकर मोहम्मद गोरी को लगता है और उसी समय में मोहम्मद गोरी, जो पहले से उसकी आंख को नष्ट कर दिया था, उसने हत्या करवा दिया पृथ्वीराज चौहान का और एक राजपूत वंश के बड़े राजा का अंत हो जाता है। लेकिन जयचंद के साथ फिर 1194 में युद्ध होता है, गढ़वाल वंश का वो राजा था कन्नौज में, तो मोहम्मद गोरी ने मंदिरों के स्थान पर मस्जिद निर्माण करवाया जब उसने जयचंद को हरा दिया, और धन संपत्ति भी बहुत लूटा भारत से। इसके बाद 1192-93 में सोमनाथ को 1192-93 में अजमेर जीता, गुजरात को 1195 में जीता। तो सारी चीज़ों के बाद अंत में कुतुबुद्दीन जो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, क्योंकि मोहम्मद गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था और जब वो वापस जा रहा था तो 1206 ईस्वी में खोखर जनजातियों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो अब आपको बताते हैं कि महमूद जो थे गजनबी, 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य था कि हमको कैसे भी जीतना है।
तो जो क्वेश्चंस आते हैं आमतौर पर कि मोहम्मद गोरी किस वंश के थे और उसने सिंध पर विजय कब किया, अनहिलवाड़ कहाँ स्थित है, किस रीजन में अनहिलवाड़ आता है, तो ये जानना है कि गुजरात के क्षेत्र में है। और मुल्तान और कच्छ जो है ना, कच्छ तो आप जानते हैं और मुल्तान वर्तमान में ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में है, वहाँ किस संप्रदाय का शासन था, तो ये आपको याद रखना है कि करमाथियन संप्रदाय थे और मुसलमान ही थे वे लोग। 1179 में गोरी ने उसको हरा दिया था और करमाथियन संप्रदाय के लोगों को हराकर अपना शासन हासिल कर लिया था। तो ये मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण तो बहुत बार हुआ है, और ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि तराइन की युद्ध जो है ये आता है एग्जाम में, चंद्रव्रताई के बारे पूछा जाता है, जो पृथ्वीराज रासों में सभी जानकारी दी हुई है। ये दरबारी कवि थे और अंत तक इन्होंने लिखा है चीजों को, और धोखे से, देखिए पृथ्वीराज चौहान को धोखा से मार दिया गया। अगर पहली जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान उसके सैनिकों को मार देते तो दूसरा युद्ध की नौबत नहीं आती। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, और इसमें पृथ्वीराज को बंदी बना करके उसकी आंख पहले नष्ट कर दी गई और फिर उसकी हत्या कर दिया गया, और गोरी ने अजमेर में अपना अधिकार कर लिया पूरे इलाके में। और उसके बाद, लेकिन उसका देखिए इलाका भारत में रहना नहीं था, वो धन लूटने आया था, तो उसको आप अगर जब इफेक्ट देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं समझना है कि वह भारत में रहने के उद्देश्य से आया था। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे आते हैं कि अरबों ने सिंध पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था लेकिन वे हार गए 643 ईस्वी में। और क्वेश्चन रहता है कि महमूद का सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ, उस समय गुजरात में किस वंश का शासन था, चालुक्य वंश का था, राजा कौन था, वो भीम था नाम राजा का। वह तैयारी कर रहा था युद्ध का, और इसी बीच चूंकि वह युद्ध रास्ते में खड़ा था लेकिन मोहम्मद गोरी को जानकारी मिल गई और अपना मार्ग बदलकर वह दूसरे रास्ते से चला गया। परिणाम स्वरूप जो भीमा राजा थे वह बदला नहीं ले पाए और मोहम्मद गोरी सारी संपत्ति गुजरात की लूटकर भागने में सफल हो गया। अगला क्वेश्चन जो रहता है परीक्षा में कि पूरी युद्ध के दौरान जो था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की पूरा वर्णन ये है, पृथ्वीराज रासों में मिलता है। और मोहम्मद गजनवी के समय पंजाब में किस वंश का शासन था, शाही वंश का था। ऐसे ही देवगिरी में किस वंश का शासन था, यादवों का था। कलिंग कहाँ पर है, तो ये महानदी और गोदावरी नदी के बीच के एरिया को बोलते हैं। चोल साम्राज्य का इलाका कौन सा था, तो कावेरी और कृष्णा नदी के बीच के एरिया को बोलते हैं। और आप देख रहे हैं नक्शे पर कि इसका पश्चिमी पार्ट जो है, देखिए वेस्टर्न वाला एरिया जहाँ पर आप गजनी दिख रहा है पेशावर के नीचे, और वहीं झेलम नदी के लेफ्ट साइड में आप देखिएगा थोड़ा, और मुल्तान भी आपको नजर आ जाएगा झेलम नदी के ही, इंडस नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु के किनारे है ये। देखिए गजनी एम्पायर का पूरा ये इलाका है, तो वहाँ पर खास करके अगर आप देखेंगे तो जो अरब वाले थे वो कंसंट्रेट किए थे वहाँ से भारत की ओर, वो आए आक्रमण करने के लिए। तो महमूद गजनवी जब 1004-5 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया, उस समय भटिंडा का राजा कौन था, उसका नाम था बाजीराव, ये याद रखिएगा ना, बाजीराव, बाजीराव ही उस समय में राजा था। 1007 ईस्वी में मुल्तान पर फिर से आक्रमण हो गया था, और जब पंजाब पर फिर से आक्रमण हुआ उस समय राजा कौन था, तो आनंदपाल, जयपाल का बेटा आनंदपाल। तो ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के ठीक पहले इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, और उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी जो थे उसके मरने के बाद उसका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लाहौर में एक सत्ता ग्रहण कर लिया और 1206 से 1290 के बीच गुलाम वंश के नाम से एक शासन किया।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले की हम स्थिति बता रहे हैं आपको कि जिसमें कैसे जयचंद को हराया गया, कैसे तराइन के युद्ध में हमारे महान राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थर्ड ये जरूर याद रखिएगा, उनको हराया गया, जयपाल को हराया गया, भीमा टू को हराया गया, और भारत पर जब आक्रमण करने वाला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा क्यों दी गई, और अरब का आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। तो आप देखेंगे तो सारे राजा भारत को लूटने आए थे, यहाँ की धन संपत्ति को लेकर के चले गए। लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बाद जब सत्ता दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है तो जो राजा थे वो भारत में रह गए, ये लूटने की बात नहीं थी। उस समय की अगर आप देखेंगे तो देखिए खजुराहो में कांदरे महादेव का मंदिर बनाया गया था 1002 ईस्वी में चंदेल शासकों के द्वारा। माउंट आबू में राजस्थान में 1031 से 1230 के बीच वास्तुपाल तेजपाल राजा ने दिलवाड़ा का मंदिर बनवा दिया। भुवनेश्वर में 1100 ईस्वी में लिंगराज मंदिर बनाया गया गंग वंश के द्वारा। भुवनेश्वर में ही मुक्तेश्वर मंदिर 975 ईस्वी में पूर्वी गंग राजाओं के द्वारा बनाया गया। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के शासन काल में बनाया गया। गोपाल पालवंश के राजा 770 से 810 ईस्वी तक उसी समय में थे। तो उसके बाद धर्मपाल आया। तो देखिए आप जितने भी राजा महत्वपूर्ण थे उस काल में थे, लेकिन राजा आपस में इनके संबंध इतने खराब थे, टूटे हुए थे, कि जब कोई व्यक्ति भारत में घुसता था तो उनको ये लोग मिलकर के जवाब नहीं देते थे। इसका नतीजा होता था कि कहीं ना कहीं भारत में शासन को आमंत्रित कर रहे थे वो, और इसके चलते सारे लोग भारत में आक्रमण करने लगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें अंत में अरब आक्रमण की शुरुआत जो हुई मोहम्मद बिन कासिम तीसरे बार में आए थे, उसके पहले 636 में और 708 में एक आक्रमण हो चुका था, और अरबों के बाद पड़ना है तुर्क आक्रमण जिसमें मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी, ये दोनों में डिफरेंस है मुख्य, ये जानिएगा जरूर। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत को डिटेल्स में हमने इसके पहले बताया है, ये उसके पहले की घटना है, और सभी चीज़ों की वीडियो अभी लंबी आपको मिलेगी इसी प्रकार से, जिसमें जो ऑथेंटिक पुस्तक होगी उसकी भी पिक्चर आपको साथ में दी जाएगी, जो आप घर से तैयारी कर रहे हैं हमको उम्मीद है कि आप पास जरूर कर जाइएगा। आईएएस और लोक सेवा आयोग जैसे झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सारे एग्जाम्स को पास करेंगे और आपका होगा ही सिलेक्शन निश्चित रूप से, नहीं की कोई बात नहीं होगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रीवियसली अलग अलग परीक्षा में जो क्वेश्चंस आया है उसमें आपके साथ में हम डील करें उस क्वेश्चंस को, कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना, और मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो हमारी वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट और